हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज मैं बना रही हूँ आलू की पैटी। उसके लिए दो आलू उबले हुए मैश कर रही हूँ। पहले से उबाल लिया था उनको। एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार। एक चम्मच काली मिर्च की कुटा हुआ पाउडर। तीन टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर। अब इन सब को मिक्स कर लेंगे। हाथ में थोड़ा तेल लगा के छोटी सी लोई बना लेंगे। फिर उसको स्लाइस का शेप दे देंगे। स्लाइस के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। काटा चम्मच की सहायता से उसे प्रेस कर लेंगे। एक ही साइड से करेंगे, दो से किया बराबर नहीं जम रहा है वो। एक ही साइड से करेंगे, लंबा शेप आएगा। फिर दोनों साइड करने से गोल आ रहा है। मैंने पूरे स्लाइस बना लिए। काट के सब पैटी तैयार कर लेंगे। मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है कि पैटी तैयार हो गई है। अब इसे फ्राई करेंगे। एक एक करके डालेंगे और इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक पकाएंगे। इसे डिश में निकाल लेंगे। तैयार हो चुके हैं, अब प्लेटिंग करेंगे। मैं ये मूंग और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ।
आप ऐसे भी खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।